डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए लेटर और एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेटर और एप्लीकेशन के टाइप आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसे देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप को इस वीडियो में कवर करेंगे। और आपको पता है 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट क्रैश कोर्स, और ये कंप्लीट क्रैश कोर्स सीरीज का 7वां वीडियो है। इसके पहले हम लोग 6 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए आपके सिलेबस को कंप्लीट करते हुए मैंने सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक गेस पेपर बनाया है। तो अगर आप इस गेस पेपर को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इस गेस पेपर को ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग करेंगे, ये तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। बहुतों बार ऐसा होता है कि अपने एग्ज़ाम में जो एप्लीकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाता है कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए या तो प्रिंसिपल के पास या फिर हेडमास्टर के पास, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैं पहले से ही बताता रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है। अगर आपको फॉर्मेट याद है कि इस तरह के एप्लीकेशन कैसे लिखे जाते हैं तो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे भी पूछे आप उसे आराम तरीके से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और एक बात बता दूं, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना लेटर और एप्लीकेशन के, जो भी मैंने फॉर्मेट कराया है उसे अच्छे से पढ़ के समझ के इन 8 क्वेश्चन को आप अपने घर पे प्रैक्टिस करिए, लिखकर देखिए आपको लिखने आ रहा है या नहीं, और आप लिखेंगे तभी आपको आएगा। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं या नहीं, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना आपको फॉर्मेट याद करके कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी 8 क्वेश्चन दिख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन 8 क्वेश्चन को और जो भी मैं आपको करवाया हूँ फॉर्मेट में, तो 3 क्वेश्चन वहाँ पे यानी 11 क्वेश्चन, अगर आप इन 11 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इसके बाहर आपका एग्जामिनर पूछ ही नहीं सकता लेटर और एप्लीकेशन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेट नंबर 3। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के सहायता से ही आपको मैं फॉर्मेट याद करवाऊँगा। तो क्वेश्चन है, यू आर राकेश। अब यहाँ पे एक एग्जामिनर कह रहा है कि आप मान लो कि आप राकेश हो। तो जब भी क्वेश्चन में नाम मेंशन होगा तो मैंने पहले ही बता रखा है कि लास्ट में जो आप लिखते हो योर फेथफुली, वहाँ पे आप यही नाम लिखोगे, अपना नाम आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, कहता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू फुल फ्री स्टूडेंटशिप। और कहता है कि अपने प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखो जिसमें उनसे ये रिक्वेस्ट करना है कि आपको फुल फ्री स्टूडेंटशिप मिले। जो स्कॉलरशिप होता है ना वो कुछ इसी तरीके का होता है। तो आपको अपना जो भी प्रिंसिपल के पास लिखना है कि हमें कुछ पैसे मिल जाए, हमें पढ़ाई में मदद मिल जाए, यही होता है फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ बातें बताना होगा, और कैसे बताना होगा आप यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, टू लिखना है जैसे आपने एडिटर वाले लेटर में सिखाया था, और टू के बाद कॉमा लगाना है। और हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल के पास, तो लिखेंगे द प्रिंसिपल। अब द क्यों लगाएंगे, किसी भी पोस्ट के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, मैंने आपको ग्रामर वाला वीडियो में कंप्लीट करवाया है, तो द प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर आपका एग्जामिनर हेडमास्टर के पास लिखने बोलता है तो यहाँ पे आप करेंगे द हेडमास्टर, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम बताएंगे। अगर क्वेश्चन में स्कूल का नाम मेंशन है, ध्यान से सुनिए,
कभी कभी ये भी एग्जामिनर करता है कि क्वेश्चन में स्कूल का नाम मेंशन है या फिर कोई कॉलेज का नाम मेंशन है, तो आप यहाँ पे वही कॉलेज वही स्कूल का नाम लिखेंगे। अगर नहीं है तो आप अपने मन से कोई भी स्कूल का नाम लिखेंगे। ऐसे अच्छा होगा कि आप ऐसे लिख लीजिए ABC पब्लिक स्कूल या फिर आप XYZ पब्लिक स्कूल, ऐसा कुछ लिख लीजिए। और यहाँ पे मैंने पटना लिख रखा है, तो आप पटना, छपरा, जो भी आपको लिखना होगा आप यहाँ पे अपने शहर का नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद लिखना है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है कि किसके द्वारा आप एप्लीकेशन को दे रहे हैं, तो यहाँ पे होगा द क्लास टीचर। अब यहाँ पे एक पॉइंट सुनिएगा, आजकल बहुत से ऐसे मॉडर्न एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं या फिर आप कहिए कि उनको फॉलो किया जा रहा है जिसमें ये थ्रो का प्रयोग नहीं होता है, तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, मतलब आप थ्रो नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप थ्रो लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, मतलब आप किस टॉपिक पे किस बात के बारे में एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, और ये सब्जेक्ट आपको लिखना ही लिखना है, इसके बिना काम नहीं चलता, ठीक है। थ्रो के बिना तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको सब्जेक्ट हर हालत में लिखना ही लिखना है। तो सब्जेक्ट में हमने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग फुल फ्री स्टूडेंटशिप। अब बहुत से बच्चे कॉमेंट करते हैं कि सब्जेक्ट मैं कैसे लिखूंगा, तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन में ही तो लिखा हुआ रहता है कि किस लिए लिखना है, तो बस उसी को थोड़ा सा मोल्ड करके आप लिख सकते हो, बिल्कुल इजी है। एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग फुल फ्री स्टूडेंटशिप मतलब हुआ कि फुल फ्री स्टूडेंटशिप को दिलवाने के लिए या फिर उनका लाभ लेने के लिए हम एप्लीकेशन आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ मतलब हो रहा है। चलिए अब इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना सर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस तरह के लेटर में डियर सर नहीं लिखेंगे, आपको हमेशा सर ही लिखना है, क्योंकि आपके सर डियर नहीं होते, ठीक है। पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मैडम करते हैं, तो आपको मैडम नहीं करना है, जब तक जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो, ध्यान से सुने, जब तक क्वेश्चन में जेंडर का पता अता नहीं दिया हो कि वो जो प्रिंसिपल है वो लेडी है या फिर जेंट्स है, तब तक आपको सर ही लिखना है। जब वहाँ पे क्लियरली ये बताया गया हो कि वो जो प्रिंसिपल है वो कोई महिला है, तभी आप मैडम लिखें। मैं तो कहूँगा आपको हमेशा सर ही लिखना है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। अब इसके बाद कॉमा लगाना है, और याद रखिएगा यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे सर के पहले और सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद सर के बाद भी एक लाइन छोड़ना है, और उसके बाद ये स्टार्ट करना है। हम लोग बचपन से इस तरह के एप्लीकेशन लिख रहे हैं, और बिल्कुल ये पैटर्न ना मोस्ट रिपीटेटेड है, आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है। अब कैसे, अब यहाँ पे इसको आप याद कर लीजिए, या फिर आप इसको जो भी करना है रख लीजिए। आपको कैसे करना है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, क्योंकि हम लोग 12th में पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्लास 12th ऑफ योर स्कूल। इसका सीधा मतलब हुआ कि गुरुजी, मैं आदर के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके स्टूडेंट का, जो आपका स्कूल है उसका, मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। अब क्या प्रार्थना है आगे के बाद में होगा। यहाँ पे आपको तर्क देना है, लॉजिक देना है, आपको फुल फ्री स्टूडेंटशिप ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, मतलब कुछ पैसे हैं जो आपको पढ़ने के लिए ऐसे ही नहीं मिलेंगे, आपको कारण बताना होगा कि आप इन पैसों को क्यों यूज करोगे, क्योंकि आप इन पैसों को कुछ लेकर आप इसे खा भी सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना है ना, स्टूडेंटशिप क्यों मिल रहा है, तो इसका सही यूज आपको बताना होगा, उनका दिल जीतना होगा, तभी वो आपको ये चीज़ दे पाएंगे। तो आपको ये लॉजिक यहाँ पे बताना है, माई फादर इज अ पुअर फार्मर, हिज इनकम इज वेरी लो एंड ही हैज टू सपोर्ट 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं,
किसान तो हैं ठीक है और फिर भी गरीब हैं, ऐसे हर एक किसान गरीब ही होता है। हीज इनकम इज वेरी लो, और उनका जो इनकम है काफ़ी कम है, और उनको सपोर्ट करना पड़ता है, उनको हेल्प करना पड़ता है, उनको भरण पोषण करना पड़ता है फैमिली के 6 मेंबर्स को। कहने का मतलब हुआ कि मेरे फैमिली में 6 मेंबर्स हैं और सारे मेंबर को खर्चा मेरे पिताजी को ही देखना पड़ता है, ठीक है। तो यही बात मैंने लिखा है। उसके बाद लिखा है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा टफ है और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, तो आप समझ ही रहे होंगे। टू मैनेज माई स्कूल फीस, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये मेरे पिताजी के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि वो मेरे स्कूल फी को मैनेज कर पाए, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारे टीचर को लगेगा कि हाँ ये बच्चा सही बोल रहा है, पढ़ने में भी तेज है और इनके पापा से एक दो बार मुलाकात भी हुआ है और इनका स्टाइल भी बहुत सिंपल है रहने का, तो इनको पैसों की ज़रूरत है ताकि ये आगे चल के पढ़ सकें। तो आपको ये बातें लिखनी है, ठीक है। और याद रखिएगा इस तरह के लेटर में आपको अनाप शनाप की बातें नहीं करनी है। कहने का मेरा मतलब हुआ कि जो ये लेटर है आपको फॉर्मल लेटर है, आप अपने टीचर या प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, तो इसमें आपको दिल की बात नहीं करना है, बस काम की बात करना है। ये नहीं कि और सब ठीक है ना, मतलब दिल की बात पूछ रहे हैं, या फिर जैसे हम अपने फादर मदर के पास लिखते हैं तो उसमें हम अपना दिल की बात, अपने मन की बात करते हैं। लेकिन आपको इस तरह के लेटर में आपको सिर्फ और सिर्फ बताना कि काम क्या है और काम आपको ये क्यों मिलेगा, इसका फ़ायदा आपको क्यों मिलेगा, बस आपको लॉजिक बताना है। तो यहाँ तक इस इतना में ही सारी बातें हो गई है कन्फर्म। तो अब हमें क्या करना है कि एक लाइन छोड़कर लिखना है देयरफॉर, इसीलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू। अब यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने टीचर से कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अब क्या चीज़, तो ग्रांट मी कि आप प्रदान करें। ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, देना। ग्रांट मी फुल फ्री स्टूडेंटशिप, ये एक प्रकार की स्कॉलरशिप ही होती है जिसमें आपको सारा का सारा पैसा, पढ़ने का खर्चा माफ़ हो जाता है, मतलब आप कहें तो गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है। उसमें कुछ पैसे मिल गए या फिर डायरेक्टली ये चीज़ें आपको अनाउंस हो गई। अब कहता है दिस वुड टेल मी कंटिन्यू माई स्टडीज फर्दर, फर्दर मतलब आगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप फुल फ्री स्टूडेंटशिप देते हैं तो मैं आगे का पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊँगा, इसलिए आप ज़रूर दें। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल, और फिर मैं आपके लिए बहुत ही एहसानमंद रहूँगा टू यू फॉर दिस, अगर आप इस काम को करते हैं तो मैं आपके लिए हमेशा आभारी रहूँगा, हमेशा अपने लाइफ में याद रखूँगा कि आपने मुझे हेल्प किया, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब लास्ट में मैंने लेटर के फॉन्ट को छोटा इसलिए किया है क्योंकि आपको एक ही स्लाइड पे सारी बातें दिख सके। अब इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अभी और समझाना बाकी है। यहाँ पे एक लाइन छोड़ते हुए इस साइड में आपको लिखना है योर फेथफुली। अब यहाँ पे योर ट्रूली और या फिर योर लविंग ना लिखेंगे, क्यों बता रहा हूँ। आप यहाँ पे अगर लिख देते हैं योर लविंग तो फिर से वही दिल की बात हो गया, और हम अपने टीचर से दिल की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा योर फेथफुली, मतलब आपका विश्वासी है ना, या फिर आपका वफादार। आप जो समझ रहे हैं बहुत बचपन से हम लोग, या फिर एक और इसके लिए होता है आप लोग तो जानते ही होंगे। तो योर फेथफुली लिखना है, उसके बाद नीचे नाम लिखना है, तो नाम दिया हुआ था इस एप्लीकेशन में तो वही नाम लिख दिया, और उसके बाद आपका क्लास बताना है कि क्लास 12th, और मन होगा तो आगे रोल नंबर भी बता दीजिए। मैंने आपको ये फॉर्मेट बता दिया है, तो जब भी ऐसा आएगा तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। अब एक बात बता दूं, बगल में शादी हो रहा है तो आपको आवाज़ें आ रही होगी, इसलिए कल भी नहीं आया वीडियो, तो इसको आप मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है यू आर राघव, अब की बार नाम चेंज कर दिया और बोल रहा है कि आप राघव हो। और बहुतों बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे रहेगा यू आर मोनी, मोनू ऑब्लिक मोनी, मतलब ऐसे रहते हैं, लेकिन आप समझ लेना यू आर राघव, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल
फॉर लीव ऑन द ग्राउंड ऑफ सिस्टर मैरिज। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मान लो कि आप राघव हो और आपको प्रिंसिपल के पास एक आवेदन लिखना है जिसमें बताना है कि मेरे जो बहन है उसका शादी होना है, तो उसके लिए आप इस दिन से इस दिन छुट्टी दे दीजिए ताकि मैं अपने बहन की शादी में जा सकूं, सेलिब्रेट कर सकूं, उस चीज़ में मैं शामिल हो सकूं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो चलिए इसको लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले वही टू लिखना है, उसके बाद द प्रिंसिपल लिखना है और यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना है। तो हमने लिख दिया है मॉडल हाई स्कूल कानपुर, है ना। तो आपको कुछ भी यहाँ पे लिख देना है, उस कुछ भी का क्या कहने का मतलब, यहाँ पे स्कूल का नाम, ठीक है, ABC स्कूल ऐसा कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा थ्रू द क्लास टीचर, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, ये मैंने क्या किया है ना कि किसी बुक से ये लिया है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको सब्जेक्ट लिखना है। और मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, ये बुक वाला यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किस लिए है, तो यहाँ पे बहन की शादी के लिए था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लीव ऑन द ग्राउंड ऑफ सिस्टर्स मैरिज। तो आप इसको ही सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट में। उसके बाद आपको लिखना है सर, और सर देकर कॉमा देना, और एक लाइन छोड़ने के बाद फिर से वही बात, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वेट टू स्टेट दैट। अब यहाँ पे देखिए आगे जो बात है वो करेंगे, माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज ऑन 16th ऑफ दिस मंथ, मतलब इस महीने की 16 तारीख को मेरी जो बहन है। अब यहाँ पे एल्डर सिस्टर्स आप लिख लीजिए या फिर यंगर सिस्टर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बताया है कि आपके सिस्टर एल्डर्स है या फिर यंगर्स है। तो यहाँ पे लिख दिया है माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज ऑन 16th ऑफ दिस मंथ, मतलब इस महीने की 16 तारीख को इनकी शादी है। द सेरेमनी इज गोइंग टू टेक प्लेस इन मथुरा, और जो समारोह है ये होने वाला है कहाँ पे, मथुरा में। अब इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़कर लिखना है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 4 days। तो मैं इसीलिए आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप मुझे 4 दिन की छुट्टी देने का प्रदान करें, मतलब छुट्टी देने की कृपा करें। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ छुट्टी है, मतलब किस तारीख से किस डेट तक देना है वो लिखना है। तो फ्रॉम 14th टू 17th ऑफ दिस मंथ, तो देखिए 16 तारीख का इनका शादी है, तो आपको ऐसे ना 4-5 दिन का गैप देना है, और रियल में तो शादी है नहीं, हमें तो सिर्फ एग्ज़ाम में नंबर लाना है। तो यहाँ पे 4-5 दिन आप इस तरह से गैप दे दीजिए, 4-5 दिन शादियाँ होती है। अगर आपको मन कर रहा है 6 दिन सेलिब्रेशन करने का, तो चलिए 6 दिन भी कर लीजिए, है ना। आगे लिखा हुआ है आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, वही बात कि अगर आप इस काम को करते हैं तो मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूँगा। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं थैंकिंग यू, है ना, और यहाँ पे वही बात योर फेथफुली राघव कपूर। अब यहाँ पे राघव कुमार या राघव कपूर, ये तो आपका बुक का कटलेट है तो ऐसा लिखा हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे होंगे। मैं यहाँ पे आपको 2 लेटर दिखा दिया आपको फॉर्मेट कैसे लिखना है, तो आप उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर करिए जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हूँ। कितना क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और इसको आप प्रैक्टिस अपने घर पे ज़रूर करें, ठीक है। तो आज तक इतना ही, अगर आपको PDF लेना है तो आपको बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।